चल बेटा, इलस्ट्रेशन वन पेज नंबर 6.31। रेडी? सब लोग सर। पेज नंबर वगैरह लिख लीजिए। इलस्ट्रेशन वन पेज नंबर 6.31। चल बेटा, नकुल भाया पढ़े। CE sends goods to his customer on sales or return basis. The following transaction took place during 2016. September 15, send goods to customer on sale or return basis at cost plus 33 1/3%, rupees 1 lakh. जरा देख लेना, आपको दिया है कॉस्ट प्लस 33 इंटीजर 1/3%। जरा ये जरा ध्यान रखना भाई, कैलकुलेशन 33 इंटीजर 1/3, लुक हियर मींस 33.33 बच्चा, इट इज कॉस्ट के ऊपर लगाया गया है, ऑन कॉस्ट लिखा, देखना जरा, मतलब क्या हो गया, 1/3 ऑन कॉस्ट बेटा, ठीक है, 1/3 ऑन कॉस्ट, इसका मतलब क्या हो गया, 1/4 ऑन सेल्स, ये बात है बेटा। वापस पढ़ तो, सेंड गुड्स टू कस्टमर ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस एट कॉस्ट प्लस 33 1/3% अमाउंट 1 lakh। तो 1 lakh का गुड्स भेजा है, ठीक है। चल बेटा पढ़ ले आगे। गुड अक्टूबर 20, गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर रुपीस 40,000। ओके। नवंबर 25, रिसीव्ड लेटर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर रुपीस 40,000। ओके। दिसंबर 31, गुड्स विद कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल रुपीस 20,000। अप्रूवल शब्द, गुड्स विद कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल का मतलब अभी अप्रूवल मिला नहीं है, इट इज पेंडिंग, नो रिप्लाई फ्रॉम कस्टमर, ये बात है। चल बेटा, सी रिकॉर्ड सेल्स और रिटर्न ट्रांजेक्शन एज ऑर्डिनरी सेल्स, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सीई अज्यूमिंग दैट द अकाउंटिंग ईयर क्लोज ऑन 31 दिसंबर 2016। चलो हो गया, सब ट्रांजेक्शन उस लाइन से दिए हैं, डेट वाइज दिए हैं, अपने को जर्नल एंट्री पास करना है। पहला ट्रांजेक्शन सेंड का है नकुल, दूसरा ट्रांजेक्शन रिटर्न का है, तीसरा ट्रांजेक्शन उसने एक्सेप्ट किया अप्रूव्ड का है, और चौथा ट्रांजेक्शन वेटिंग अप्रूवल यानी पेंडिंग उसका है। देख लो बेटा, ये चारों आपके सामने हैं, चार की मुझे एंट्री आपको देना है वन बाय वन डेट वाइज। चलो जर्नल बना लीजिए, वापस अपन पढ़ेंगे, एंट्री भी दूंगा, सॉल्व भी करूंगा। नकुल भाई चालू हो जाइए, जर्नल बना लो। बेटा चालू करें, जर्नल एक पेज पे बना लो, नरेशन के साथ दूंगा बेटा। यस सर। चल बेटा, सी सेंड्स गुड्स टू हिज कस्टमर ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग 2016। सितंबर 15,
send goods to customer on sales or return basis at cost plus 33 1/3% rupees 1 lakh. Repeat. Send goods to customer on sales or return basis at cost plus 33 1/3% rupees 1 lakh. बराबर है. अपन ने गुड्स भेजा है तो बाबूजी अपन ने गुड्स भेजा है तो कस्टमर अकाउंट डेबिट बोलो, डेटर अकाउंट डेबिट बोलो, एक ही बात है. कस्टमर अकाउंट डेबिट यानी पार्टी, यू कैन से डेटर्स, ब्रैकेट में लिखना है तो लिख लेना. टू सेल्स, अपन सेल की एंट्री पास कर रहे हैं. नकुल भाई एट सेलिंग प्राइस, बच्चा नरेशन लिखवाता हूं, अच्छा लगेगा तेरे को. चलो नरेशन बिंग गुड सेंड टू कस्टमर ऑन अप्रूवल बेसिस, है ना, रिटर्न बेसिस यानी अप्रूवल बेसिस इज रिकॉर्डेड एज सेल्स थ्रू सेल्स बुक. ठीक है बेटा. चलो अपन ने सेल का एंट्री पास कर लिया, आगे बढ़ेंगे. अक्टूबर 20 गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर रुपीस 40,000. रिपीट. अक्टूबर 20 गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर रुपीस 40,000. है ना, रिटर्न की एंट्री ले ले बेटा. ऊपर जो सेल था बोल भाई, एंट्री बोल. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर. कितना रुपया है बेटा? 40,000. 48,000. नरेशन बिंग गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर विच वॉज सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस विच वॉज सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस बेटा. चल नवंबर 25 रिसीव लेटर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर रुपीज 40,000. रिसीव लेटर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर रुपीज 40,000. बेटा कस्टमर ने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया. बोलिए भैया एंट्री क्या आएगी बेटा? नो एंट्री है ना. मैंने थियरी में पढ़ाया, जरा गो थ्रू करने का बेटा, थोड़ा आदत डालिए. क्योंकि क्या बेसिक मजबूत होता है ना, वो आदमी सरस होता है. और मैं कभी भी बेसिक में कंजूसी नहीं किया है मेरा. आप बेसिक देख लो, आपको भी लगेगा सर बड़े शांति से स्टेप बाय स्टेप जाता है. कोई भी चैप्टर उसमें ढीला नहीं बनना. तो क्या क्वेश्चन तो आने दो ना. फिर नो एंट्री, इसका नोट लिखने का एट द एंड ऑफ द जर्नल. जरा नोट लिख डाल दिलो, लास्ट दो लाइन का मुझे नोट लिखने का है. लिख दो नोट नंबर वन. डेट डाल दो बेटा, नवंबर 25. नो एंट्री इन द बुक्स.
or goods? Approved by customer because when goods were sent, it was already recorded as actual sales. Suna kya hai? Recorded as actual sales. बेटा आगे बढ़ो. December 31st, goods with customer awaiting approval ₹20,000. शाबाश. Repeat. Goods with customer awaiting approval ₹20,000. जरा देख लेना, मैं इधर बता रहा हूँ. 20,000 का goods with customer पड़ा है. वो ऊपर जो अपन ने उसको भेजा था 1,00,000 का, उसमें का क्योंकि 40 का उसने रिटर्न कर दिया, 40 का उसने एक्सेप्ट कर दिया, तो सीधी बात है बेटा 20 का बाकी था. देख ले, एक लाख का हिसाब. तो ये दो तो हो गए. अभी इसका क्या? इट इज ऑन 31st December, लास्ट डेट व्हेन आई प्रिपेयर माय फाइनल अकाउंट, तभी मुझे हिसाब करना पड़ेगा कि सर जी आप इसका क्या करेंगे. नकुल याद आया क्या? गुड्स विथ कस्टमर. हाँ सर. गुड्स विथ कस्टमर और अभी मुझे इसका हिसाब करना है. बाबूजी मैंने इसका आपको दो एंट्री दिया था. इफ यू रिमेम्बर, ये गुड्स इसको सेल मत समझो, मतलब रिमूव फ्रॉम सेल्स, क्योंकि जब तक आंसर नहीं आया है तो आप कैसे मान लेते हो ये मेरा सेल है. भाई कस्टमर इज द किंग, ही विल डिसाइड वेदर ही वॉन्ट टू परचेस और नॉट. और दूसरा, जब उसने जवाब नहीं दिया तो ये मेरा गुड्स है भैया, इंक्लूड इन द क्लोजिंग स्टॉक. ये दो स्टोरी सुन लेना, इंक्लूड इन द क्लोजिंग स्टॉक. तो अभी मुझे इसका दो काम करना है. ये दो चीज ध्यान रख के 20,000 की स्टोरी चल रही है. मैं चित्र खाली समझाने के लिए तेरे को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. 1,00,000 में से 40 रिटर्न हुआ, 40 एक्सेप्ट हुआ, 20 का स्टोरी अधूरा है, फाइनल अकाउंट बन रहा है, दो एंट्री पास करना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव फ्रॉम सेल एंड देन इंक्लूड इन द क्लोजिंग स्टॉक. नकुल भाई खास सूचना, इंक्लूड इन द क्लोजिंग स्टॉक बोलेगा तो एट कॉस्ट. बच्चा ए नकुल. हाँ सर. तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट कर बेटा. हाँ सर. सेलिंग प्राइस बोलेगा तो 20,000, पर मेरा प्रॉफिट का क्या बोला था रे भाई? 5,000. हाँ, एरा तक ऊपर मैंने ऑन कॉस्ट 1/3, 1/4 दिखा ना बेटा. हाँ सर. तो लिख ले, इट इज 1/4 ऑन सेल, बोले तो 5,000 आ गया बेटा, बोले तो कितना हो गया? 15,000. तो कॉस्ट 15,000 इंक्लूडिंग क्लोजिंग स्टॉक. बेटा ये हल्का सेकंड वर्किंग करना जरूरी होता है. कर दे नास का 3-4 लाइन जो भी लगेगा. कॉस्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, ये इतना लिख ले बेटा. कॉस्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट.
चलो करें, अपने को दो एंट्री पास करना है बेटा। यस सर, 31 दिसंबर को दो एंट्री पास करूंगा, आजा। चालू कर, पहले रिमूव फ्रॉम सेल एंट्री बोल। सेल्स टू कस्टमर, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, यू आर राइट। बीस हजार ऑफकोर्स सेट द सेलिंग प्राइस बच्चा। नरेशन, बिंग, रिवर्स एंट्री पास्ट, सुना ना, रिमूव करने के लिए रिवर्स एंट्री पास किया जाता है। बिंग, रिवर्स एंट्री पास्ट फॉर गुड्स विद कस्टमर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, फॉर विच नो रिप्लाई इज रिसीव्ड, टिल 31st December लास्ट डेट, which was recorded as sales, है ना, which was recorded as sales, क्योंकि reply नहीं मिला, जरा detail लिखना पड़ता है बेटा, किसका reverse entry है, क्यों reverse entry pass कर रहे हो, क्या transaction का base था, थोड़ा लिखना पड़ता है सीधा, नहीं तो narration नहीं मिलेगा तेरे को, कि सर ये काय का reverse किया आपने, तो आगे का जरा लिखना पड़ता है, कारण देना पड़ता है, चल बच्चा और एक एंट्री दिसंबर 31st बोल बेटा। इन्वेंटरीज विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेड ट्रेडिंग अकाउंट, बराबर है, करेक्ट। इन्वेंटरीज विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, अच्छा अमाउंट कितना आएगा, 15, करेक्ट, कॉस्ट, टेक डाउन नरेशन, बिंग, गुड्स विद कस्टमर goods with customer which was not accepted till date is included in the closing stock, is included in the closing stock at cost, at cost, याद रखना, आंसर नहीं मिला अपना गुड्स है क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर एट कॉस्ट, नकुल भाई ये आंसर हो गया अपना, हाँ सर। बच्चा अपन दूसरा क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ेंगे बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर टू, पेज नंबर बोलो बेटा 36.32, ठीक है, आ जाओ बच्चे लोग, दूसरा क्वेश्चन चालू करते हैं बेटा, पढ़ ले। एस लिमिटेड सेंड्स आउट इट्स गुड्स टू dealers on sales or return basis. All such transactions are however treated as actual sales and are passed through the days book.
just before the end of the accounting year on 31st March 2016, 200 such goods have been sent to a dealer at Rs. 250 each, cost Rs. 200 each on sales return basis and debited to his account. Of these goods on 31st March 2016, 50 were returned and 70 were sold, while for the other goods, date of return has not yet expired. Past necessary adjustment entries on 31st March 2016. Repeat. S Limited sends out its goods to dealers on sales or return basis. Stop. यहाँ goods अपन अपने कस्टमर को दे रहे हैं. नकुल जरा सुनना मेरा वाक्य. जो कस्टमर एंड यूजर नहीं है, जो कस्टमर एक डीलर है. सुनना मैंने क्या बोला बाबूजी. ये फॉरेन वाले जब इंडिया में आते हैं ना, तो नया गुड्स दाखिल करना हिंदुस्तान में, तो वो क्या करेंगे मालूम है क्या? वो बेच नहीं सकते किसी को भी. वो ट्रेडर लोगों को लालच देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी को, बड़े बड़े डीलर्स को, कि हमारा गुड्स आप आगे बढ़ाइए, नहीं बिका तो हम वापस ले लेंगे. अब सोच लो, अपने बिजनेसमैन सीधा गुड्स कैसे खरीद लेगा भाई? उसका उसको पैसा दे देगा, न जान न पहचान. ये एक सिस्टम है. आप पहले बात को समझो. खाली एंट्री को पास करने का मेरा मकसद नहीं है. मतलब हमने कस्टमर को दिया, कस्टमर इज नॉट द एंड यूजर ना, इज द डीलर. और कोई भी डीलर के साथ जब अपन बातें करेंगे, तो डीलर को अपन ये नहीं बोलते कि मैंने तेरे को दे दिया, चल तू पैसा ला. अपने को उसको बोलना पड़ता है, भैया तू आगे बेचने का प्रयत्न करना, बेचे तो पैसा देना, नहीं तो मैं वापस गुड्स उठा लेगा. देखते है ना, तू रखना, तेरे को कहा कुछ इन्वेस्टमेंट करना है. नकुल भाई, ये बात करने का ऐसा तरीका होना चाहिए. ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि किससे बात करने का, कैसे बात करने का, नहीं, ये आपको जरूरी है जानना. आप नया गुड्स लेके जाएंगे, कोई भी डीलर है, उसको भी आगे बेचना है किसी को. वो आपको जानता नहीं है, आपके गुड्स को वो देखा नहीं है, नया गुड्स है, तो आपको उसको शांति से समझाना पड़ेगा, भैया तू रख ले, बेचने का प्रयत्न करना, बेचे तो ठीक है, तो ही पैसा देना, वरना कोई बात नहीं, मैं तो रिटर्न ले लेने वाला हूं, तेरे को कहा कुछ हल्दी फटकी लग रही है. जब ऐसी बातें करेंगे तो वो आपका गुड्स अपनी दुकान में, अपने गोडाउन में रखेगा एक बार, वरना वो क्यों तेरे से बात करे, तेरे को क्यों वो महत्व देवे? आपको उसको समझाना पड़ता है कि तेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तुझे पैसा भी नहीं देना है, तू खाली गुड्स मेरा तेरे गोडाउन में रख, तेरे दुकान में रख, तेरे शोरूम में रख ऐसा, और बेचेगा तो ही अपन बातें करेंगे पैसे की, अदरवाइज नो प्रॉब्लम. ऐसा जब तक उसके गले बात नहीं उतरेगी, वो तेरा गुड्स को टच नहीं करेगा. दिस इज द बिजनेस टेक्निक बच्चा. वरना तुम नए हो, तुमको कौन खड़ा रखेगा? तेरे से क्यों मैं बात करूं? मेरे पास टाइम नहीं है. रियली स्पीकिंग, तेरे से 17 लोग आते रोज और मेरा टाइम पास करके जाएंगे, तो तेरे को भी उसको कुछ बेसिक बातें करने का यहां सीखना पड़ेगा. ये बात इधर थी. मतलब वी आर प्रोड्यूसर, वी आर सेंडिंग द गुड्स टू डीलर हु इज नॉट द एंड यूजर. ए नकुल, समझा क्या? द डीलर इज अवर कस्टमर ट्री, बट ही इज नॉट द एंड यूजर. वो भी आगे बेचने वाला है ऐसा. ए वापस पढ़ रहे. S Limited sends out its goods to dealer on sales or return basis. समझा? मजा आया? देखो, सीखेगा ना तो मजा आएगा. डीलर को भेजा है तो बात पूरा आपको कैसे करने का ना, ये एक आर्ट होता है, याद रखना. चल बच्चा. All such transactions are however treated as actual sales and are passed through the day's book. Just before the end of the accounting year 31st March 2016, 200 such goods have been sent to a dealer at 250 each, cost Rs. 200 each, on sale or 200 such goods had been sent to the dealer at 250 each, cost Rs. 200 each, on sale or return basis. Cost kitna bola?
200 है ना, 200 यूनिट है, 250 का उसका सेलिंग प्राइस है, जिसकी कॉस्ट 200 रुपया ईच है। जरा पकड़ो ना, हम स्क्रीन पे भी लिख रहा हूँ, जरा पकड़ो हमको ठीक से, है ना। कॉस्ट भी उसने दे दिया, मतलब मेरे को कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। चल बच्चा, एंड डेबिटेड टू हिज अकाउंट ऑफ दिस गुड्स of these goods on 31st March 2016, 50 were returned and 70 were sold, while for the other goods, of these goods on 31st March 2016, 50 were returned. Stop. Repeat. Of these goods on 31st March 2016, 50 were returned. Chal aage. And 70 were sold, while for the other goods, while for the other goods, day of return has not expired. बराबर है। बाकी का बैलेंस कितना आया? अदर बैलेंस, जरा बोर्ड इधर स्क्रीन पे देख बच्चा, बैलेंस कितना देख, 200 था, उसमें से 50 रिटर्न किया, 770 सोल्ड किया है ना, कुल बैलेंस कितना बच्चा बेटा? 80। हाँ बाबूजी, और ईयर एंड हो गया बाबूजी, उसका नो रिप्लाई है, ये बात है, जरा देख लेना, 200 में से 50 रिटर्न, 70 सोल्ड, 80 बाकी, हिसाब तो मेरे को गिनना पड़ेगा ना कि सर आपको कितना गुड्स बैलेंस बचा, पहले पकड़ो क्योंकि तो आपने भेजा था 200, उसमें से 50 तो रिटर्न हो गया, 70 उसने सोल्ड कर दिया, यानी उसके पास अभी भी अनसोल्ड गुड्स 80 यूनिट्स पड़ा है, जिसका उसने रिप्लाई नहीं दिया है। यू नो, इसको मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, इंक्लूडेड इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, इसको मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा। चल बच्चा, पास नेसेसरीज एडजस्टमेंट एंट्री ऑन 31st मार्च 2016। ठीक है बेटा, अपने को नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है 31st मार्च को। मैं बता दूं तेरे को, 31st मार्च को तुझे एंट्री पास करना है एडजस्टमेंट की, मतलब उससे पूछा क्या है, जरा देख तो, लास्ट वापस पढ़ तो बेटा, पास नेसेसरीज एडजस्टमेंट एंट्रीज ऑन 31st मार्च 2016। सुना, मतलब तेरे को सिर्फ 31 मार्च का ही एंट्री पास करना है बेटा, तेरे को 31 मार्च का ही एंट्री पास करना है, इज इट क्लियर? यस सर। 31 मार्च को अपने को जो ट्रांजेक्शन करने हैं उसके एंट्री पास करने हैं बाबू जी, जो उसने रिटर्न अपन ने उसको भेजा था, एक बात है बाबू जी, उसने जो बेच दिया उसका मुझे कुछ नहीं करना है, वो सब आगे की बात है, वो सब आगे की बात है बच्चा। आज की तारीख में अगर जो मुझे पूछे, तो उसने जो बोला है, ऑफ दिस गुड्स ऑन 31 मार्च 50 वेर रिटर्न्ड एंड 70 वेर सोल्ड, सोल्ड का नो एंट्री, क्योंकि सेंड तो आगे किया था ना 200, और 31 मार्च को क्या घटना घटी है, तो कि 50 वेर रिटर्न्ड बाबू जी ऑन 31 मार्च रिटर्न्ड, सोल्ड ऑन 31 मार्च, जरा देख लो नकुल भाई, एंड नो रिप्लाई रिसीव टिल 31st मार्च। नकुल भाई जरा बोर्ड पे देखिए, आपको अच्छा लगेगा, 200 में से ना, तो 200 सेंड किया था, आगे की बात है, सेंट डेट नॉट नोन टू मी, लेकिन उसमें से उसने रिटर्न किया ऑन 31st मार्च, हाँ 50, सोल्ड किया 31st मार्च, हाँ 70, और टिल नो रिप्लाई रिसीव्ड फॉर 80 31st मार्च। आप जरा देख लो, मतलब मुझे एंट्री कौन सी, मैं क्वेश्चन को देख के ये सब लिख रहा हूं बच्चा, उसने लिखा है ना, ऑफ दिस गुड्स ऑन 31st मार्च, नकुल मैं क्या पढ़ा देखा तूने, मेरा फोकस सिर्फ 31st मार्च पे है, क्योंकि उसने लास्ट में एंट्री 31st मार्च का पूछा बेटा, तो 31 मार्च को क्या क्या ट्रांजेक्शन घटे बने, बस आप उसका मुझे एंट्री दीजिए, आगे से आप देंगे तो कोई वांदा नहीं है, ज्यादा कम हो जाएगा और कोई बड़ी बात नहीं है,
एक एंट्री बढ़ जाएगी सेंट की। सेंट का देख मेरे ऊपर डेट नहीं बताया क्योंकि उसने भी नहीं बोला है। हाँ 31 मार्च को क्या हुआ वो बोला है कि साहब जी 50 तो के रिटर्न हो गया, 70 तो के सोल्ड हो गया और 80 का कोई आंसर नहीं मिला। तो अपने को बच्चा 31 मार्च को एंट्री पास करना है बेटा। ये एक तो 31 मार्च का ये रिटर्न का एंट्री, सोल्ड का तेरे को सोचना है क्योंकि वो भी 31 मार्च है, और 31 मार्च नो रिप्लाई, ये भी, ये तीनों का तुझे सोचना है क्योंकि तीनों 31 मार्च की बातें हो रही है। लाला देख बिल्कुल क्लियर हुआ, मतलब सेंट का मुझे कोई एंट्री पास नहीं करना है क्योंकि उसका डेट नहीं मालूम है बेटा। क्लियर? यस सर। ये चित्र देख लो तो मैं फिर एंट्री देना चालू करूं। एंट्री आगे जो दिया है उसी उसी को रिपीट करना है, खाली आंकड़े बदलेंगे और कुछ नहीं। ये लिखना है तो जरा चित्र बनाना है तो बना लो, बाकी ये टाइम पास है खाली आपको समझाने के लिए। चित्र बनाना है बना लो भाई। 250 सेलिंग प्राइस है, 200 कॉस्ट है, टोटल 200 था, इतना रिटर्न, इतना सोल्ड, इतना बाकी। टफ कुछ नहीं है, चित्र देख पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे है और 31 मार्च का ही एंट्री पूछा है, ये जरा ध्यान में रखने का, मतलब सेंट का एंट्री नहीं पूछा है। 31 मार्च को जो घटा है वो बोला है उसने कि ऑन 31 मार्च दिस इज टेकिंग प्लेस। चले बच्चा। यस सर। जर्नल बना लीजिए, बाबू जी 2016 31 मार्च बेटा पढ़ना सीधा लास्ट का एक दो लाइन ही। ऑफ द गुड्स, ऑफ दिस गुड्स ऑन 31 मार्च 2016 50 वर रिटर्न। चल भाई पहले रिटर्न की एंट्री ले ले। रिटर्न की एंट्री मैंने हेडिंग मारा ऐसे टाइम पास के लिए। एंट्री बोला है सेल्स रिटर्न टू कस्टमर, करेक्ट 12,500। हाँ 50 और 250 का भाव है, थोड़ा नाटक कर रहा हूं मैं। 12,500 देखो बराबर। यप। चलो नरेशन नहीं लिखना, लिखना तो लिखो सेम भी लिख ले बेटा। बिंग 50 यूनिट्स रिटर्न बाय डीलर आउट ऑफ 200 units which were
out of 200 units which were sent on return basis. At selling price of rupees 250 per unit. कुछ भी निरेशन लिखने का भाई थोड़ा इधर उधर चलता है घबराने का नहीं चल बेटा 70 वो सोल्ड सोल्ड का नो एंट्री याद करो सोल्ड का नो एंट्री तो क्या करूं बेटा मैं नोट हाँ नोट लिखो नोट नंबर वन बाबूजी नो एंट्री फॉर 70 units sold. No entry for 70 units sold. Because when goods were sent it was passed through sales book as actual sales. It was passed through sales book as actual sales. But ab tabhi actual sales to kar diya tha, theek hai? Chal beta. And the other goods date of return has not yet expired. अभी वो remaining goods की बात कहानी चालू 80 की देख ले बाबूजी no reply इसकी कितनी entry होती है बेटा मालूम है ना दो दो entry एक तो remove from sale and include in closing stock सुना क्या yes sir 31st March 16 remove from sale चल बेटा एंट्री बोल सेल्स टू कस्टमर करेक्ट सेल्स अकाउंट डेबिट हेडिंग का जरूरत नहीं मैं टाइम पास कर रहा हूं बेटा सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर कितना यूनिट है बेटा 80 215 टू 80 इक्वल टू 20,000 250 बेटा कितना बोला 20,000 चलो आगे का देख के नरेशन लिखो ना आपको 60 सेकंड दिया नकुल भाई मर्जी से लिखो तो भी वांदा नहीं है सानिका बहन जी जरा प्रयत्न करो बैठे हैं सर लिख रही हो सर हाँ वही तो अभी नरेशन अपने आप लिखो ऐसा बोला अभी आपको बोला तो आपको अकेले को नहीं बोला है सबको बोला है हमेशा नकुल को बलि का बकरा बनाता हूं क्या थोड़ा आदत डालना पड़ता है ना थोड़ा लिखने का और अभी मैंने बोल दिया नरेशन का 19-20 चलता है घबराने का नहीं मगर लिखने का थोड़ा डिटेल चलो आपको तो चलो बेटा नकुल इसको क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना है बेटा मेरे को एंट्री बोल दे इन्वेंटरीज विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट ना ऐड टू क्लोजिंग स्टॉक क्या बोला बेटा Inventories with customer account debit to trading account.
16,000 हेडिंग मारना जरा याद रहे, इसके लिए बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। 80 यूनिट्स बेटा एट कॉस्ट 18 to 200 रुपीस 200 पर यूनिट। कितना बोला बेटा? 16,000 दो बच्चा। तेरा नरेशन मारो, लंबा चलेगा बच्चा नरेशन, आगे का देखा वही ले ले भाई, लंबा लंबा ले। एक मिनट दिया, फटफट चल, अपने आप चल। हमेशा बच्चा लिखिए फटफट नरेशन, टाइम पास है बेटा, करना पड़ता है, 19-20 चलता है सब, बिंदास लिखो। नकुल भाई हो गया बेटा? यस सर। नयन भाई? यस सर। आगे बढ़ो बेटा, है ना, सिमिलर ही है, थोड़ा इधर उधर क्वेश्चन करके नया क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन में गुड्स सेंट की एंट्री नहीं थी नकुल, उन्होंने 31 मार्च का ही मांगा था, तो जैसा जरा क्वेश्चन पढ़ लेने का बेटा, बाकी सब एंट्री तो मैंने दे दिया होता है लेकिन क्या पूछा है उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, तो क्या अपना काम थोड़ा फास्ट होता है, वर्किंग वर्किंग डायरेक्ट उड़ा सको तो और अच्छी बात है, स्टार्टिंग में मैं फुल टाइम पास करता हूँ, धीरे धीरे जहां जहां समय बचा सकते हो आपके हाथ में फिर, ठीक है बेटा। चल क्वेश्चन नंबर 3 ले लें। इलस्ट्रेशन नंबर 3, कैली कंपनी सेंड्स आउट इट्स गैस कंटेनर्स to dealers on sales or return basis. All such transactions are however treated as actual sales and are passed through the day book just before the end of the financial. सब क्वेश्चन में मोर और लेस स्टार्टिंग ऐसे ही होता है कि अपन गुड्स दे रहे हैं, भेज रहे हैं और उसको अपन सेल हिसाब से लिख रहे हैं, सेलिंग प्राइस में एंट्री पास कर रहे हैं सेल्स बुक में, ऐसा मोर और लेस देखो, मतलब इट इज ओनली just explanation of first method in the question. इसका कुछ करना नहीं होता है, खाली वो बस दो तीन लाइन ऐसे ही चली जाती है। चल बेटा, 100 gas, all such transactions are however treated as actual sales and are passed through the day book just before the end of the financial year. 100 gas containers which cost them rupees 900 each have been sent to the dealer on sales or return basis and have been debited to his account at rupees 1,200 each. Out of this, only 20 gas containers are sold at rupees 1,500 each. You are required to pass necessary adjustment entries for the purpose of profit and loss account and the balance sheet. पहले तो लास्ट का वापस पढ़ दो,
You are required to pass necessary adjustment entries for the purpose of profit and loss account and balance sheet. आपको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का एंट्री पास करना है. मतलब वंस अगेन वी आर ऑन द लास्ट डेट. प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट कभी बनता है तो क्या एंड में बनता है साहब जी. मतलब गुड्स सेंट की एंट्री नहीं चाहिए. गुड्स सेंट की एंट्री नहीं चाहिए. नकुल वापस समझ ले. सेंट की एंट्री नहीं मांगा है बाबू जी. कितना मैंने कंटेनर सेंड किया था गैस का मालूम है? 100 गैस कंटेनर मैंने बेचा था. भेजा था सेंट जिसका कॉस्ट 900 है. ऑन रिटर्न बेसिस और उसका मैंने अकाउंट डेबिट किया था 1200 सेलिंग प्राइस पे. नकुल भाई जरा देखना सेंट का नो एंट्री फर्स्ट. देखिए ना स्क्रीन पे 100 कंटेनर भेजा है बेटा. हाँ सर. 1200 का भाव से जिसका कॉस्ट मेरा 900 था उसका नो एंट्री. क्योंकि मुझे फाइनल अकाउंट के स्टेज पर बोला एंट्री पास करो. मतलब अपने को क्वेश्चन में जो पूछा है वो ये है. मतलब पहली एंट्री तो क्या नो एंट्री. क्योंकि पूछा नहीं है. नो एंट्री बोलने का मतलब नहीं है भैया एंट्री है कस्टमर टू सेल. मगर मैं पास करने के मूड में नहीं हूं क्योंकि उससे पूछा नहीं है. भले ओरली सब बयानबाजी करता हूं कस्टमर टू सेल ये वो तू भी देख रहा है समझ रहा है. उसने जो पूछा है वो एडजस्टमेंट कैसे करना है प्रॉफिट एंड लॉस में. अभी लास्ट में क्या बोला मालूम है? इसमें से ओनली 20 वेयर सोल्ड बेटा. आउट ऑफ 120 सोल्ड बच्चा नो एंट्री. मगर खास सूचना अब इधर तेरे को फंसा है. सोल 20 नो एंट्री ठीक है बेटा. जरा सुनना कलर चेंज कराओ बेटा जान मुझके तेरे को मालूम पड़े. इट इज सोल्ड एट बेटा बोला है. इट इज सोल्ड एट 1500 ईच. लो भेजा था 1200 में. नकुल 1500 में उसने बेचा. तो मैंने तो पहली एंट्री बेटा 1200 का ही पास किया था. देख मैंने ऊपर लिखा 1200 सोल्ड की नो एंट्री. मगर उसने सोल्ड 1500 में किया बेटा. मतलब यहां एक एंट्री बाहर निकलेगी. कितने निकलेगी मालूम है? चेंज इन द सेलिंग प्राइस. सुबह सिखाया था ना मैंने ओए था ना सेलिंग प्राइस वो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है बोला था ना. तो यहाँ सेलिंग प्राइस बढ़ गया देखो. तो यहाँ मुझे एंट्री पास करनी पड़ेगी. कितने की एंट्री पास करनी पड़ेगी बेटा जरा सोच के बोल. डिफरेंस अमाउंट की है ना 20 into 300. एंट्री विल कम फॉर यू आर राइट डिफरेंस अमाउंट बेटा यू आर राइट बेटा. 20 बेचा है और डिफरेंस इन अमाउंट बोलेगा तो 300 रुपए का डिफरेंस है. डू यू एग्री विद मी? यस सर. 20 बेचा है 300 रुपए का एक का डिफरेंस है 6000 का एंट्री आएगा. मैंने जानबूझ के कलर चेंज किया तेरे को दिखाने को. आगे 20 सोल्ड का नो एंट्री क्रॉस मारा है लेकिन आगे चल के कलर चेंज करके बोला एंट्री विल कम. ये नकुल नाटक देख मेरा. नो एंट्री है कि एंट्री है? यस सर. सोल्ड का नो एंट्री तो फिर एंट्री का आएगा बेटा डिफरेंस अमाउंट. हाँ पक्का टिक्स है ना. उसने तो जो पूछा है फाइनल अकाउंट मतलब लास्ट दिन का पूछा है तो लास्ट दिन को ये जो डिफरेंस इन अमाउंट है क्योंकि वो तो देख सोल्ड का एंट्री तो पहले सेलिंग प्राइस में हो चुका है 1200. तो सोल्ड का नो एंट्री सेंट का अपने को एंट्री पूछा नहीं है लेकिन उसने डिफरेंस अमाउंट पे बेचा है प्लस माइनस जो भी है उसका एंट्री आएगा. और हाँ फर्दर और भी एंट्री मुझे पास करना है बेटा. अनसोल्ड कितना है? 80 कंटेनर बाबूजी. उसका मुझे दो एंट्री पास करना है. सुना क्या? एक तो रिमूव फ्रॉम सेल एंट्री. यस सर. रिमूव फ्रॉम सेल एंट्री अपकोड सेट सेलिंग प्राइस. और दूसरा बेटा
including yes. closing stock. Add to closing stock at cost. मेरा स्टाइल देख तो तेरे को मजा आएगा बेटा समझने में, कुछ टेंशन है ही नहीं. टोटल तीन एंट्री है, ओए स्काई ब्लू कलर तीन एंट्री देख, नीचे ये भी और वो ऊपर वो 300 वाला एंट्री. बोले तो क्वेश्चन हो गया बोर्ड पे. तीन एंट्री है, लिखने का तो लिख लो, ताकि मुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या लिखाऊं. नकुल कुछ लिखाऊं बेटा कि लिख लेता है ये बाजू में क्रॉस मारता है उसका नो एंट्री है बेटा, संभालना जरा. लिख ले मजा आएगा. क्वेश्चन पढ़ने का क्या पूछा, हर क्वेश्चन मोर और लेस सेम है, लेकिन थोड़ा तो फर्क होता है ना यार, एकदम ही सेम कैसे मिलेगा. यहाँ सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिया है तो करूंगा ना मैं तो, एंट्री पास करेगा अभी देख. ये चित्र कर रहे फटाफट, नरेशन नहीं दूंगा, हो जाए तो नकुल बोलना, टाइम कम है. हाँ सर चलिए बेटा, आपने को जर्नल बनाना है, खाली लास्ट दिन का एंट्री पास करना है. जर्नल बना लीजिए, बाय. यस सर. चल बेटा, कौन सी तीन एंट्री तेरे को बता दिया है, स्काई ब्लू रेडी. हाँ सर चलो. फर्स्ट डिफरेंस इन अमाउंट बोल एंट्री बेटा. कस्टमर टू सेल्स, करेक्ट. कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल 6000. बाबूजी कितना रुपया है? 6000. 300 का भाव, यू आर राइट, 6000. मेरे से लिख लिखा देता हूँ बेटा. बिंग 20 कंटेनर्स बिंग 20 कंटेनर्स sold by dealer at the price 1500 each. While invoice was made for 1200. While invoice was made for 1200 each, thus different at the rate of 300 adjusted.
ना 1200 का बिल था, अभी 1500 करने का है, तो क्या सर एडजस्ट करो 300 और क्या, नया उसके लिए नया एडिशनल बिल भी बनाना पड़ता है बेटा, क्योंकि वो बिल तो 1200 का भाव का है और 300 तो क्या सर नया बिल भी बनेगा, तो क्या जरूर बनेगा। चल बेटा फिर अभी वो अपना गुड्स ऑर्डिनरी 2 एंट्री रिमूव फ्रॉम सेल, बोल बेटा सेल्स टू कस्टमर, सेल टू कस्टमर ले ले, तो क्या बोल 96,000। नो नरेशन जाने दे, समझ गया ना कि लिखेगा नरेशन बेटा भी। और तीसरा बोल, अरे नरेशन में टाइम पास नहीं करो ना भाई। नहीं सर। हाँ तीसरा बोल, इन्वेंटरीज विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। अमाउंट 72,000। कॉस्ट पे लेना बेटा, सुना क्या? कितना? हाँ सर 72,000। 18 into ₹900। 80 कंटेनर्स एट द रेट ऑफ कितना है बेटा? 900। करेक्ट 900 कॉस्ट। ठीक है बेटा, आगे की यात्रा बाद में चालू करेंगे, नो प्रॉब्लम। जो भी है रुकता हूँ इधर, कल आगे बढ़ेंगे बेटा। और अभी जो भी किया है थोड़ा गो थ्रू करना, मैं कुछ ज्यादा होमवर्क नहीं देता हूँ। दैट्स इट।